जेके ने वी से सनस्क्रीन मांगा। वी ने इतना सा थोड़ा सा उंगली पर दिया बस। जेके कह रहे मैं दूसरे से और मांगने जा रहा हूँ। जेके मुझे पता है वी ने तुम्हें इतना सा क्यों दिया, इसलिए भाई वी को अपनी स्किन के लिए इतने सनस्क्रीन की जरूरत थी ना, इसलिए जेके को इतू सा दिया। डोंट बी सीरियस, मजाक था सिर्फ। वी इतना सनस्क्रीन ला के सच में बाहर गए थे। ओके नाइट रूटीन, जिमिन ने अच्छे से फेस धो लिया, पोज भी लिया, इतना काफ़ी है राइट? पता नहीं जिमिना, हम तो लगाते नहीं हैं सोने से पहले। जी हो जिमिन कितने ज़ोर से फेस पर टैप कर रहे हैं, सुनो कितने ज़ोर से आवाज़ आ रही है। सनस्क्रीम जी होप एक जगह नहीं छोड़ते, बिंदी जैसे लगा देते हैं पूरे फेस पर। ये हो गया? हाँ हो गया। और करो। जेके की स्किन बहुत खराब है, मतलब सेंसिटिव है, मौसम के वजह से बहुत जल्दी खराब हो जाती है। जंकू कह रहे हैं मेरे पास फॉर्म क्लींजर है लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं ला पाया। उन्होंने कहा था अपने नाक के पास ज्यादा ध्यान रखना, मुझे अपनी स्किन जल्दी अच्छी चाहिए। कौन सी कंपनी का क्लींजर है, अच्छा लग रहा है। हमारे वहाँ सेम ऐसा पतंजलि का आता है। देखा जैकी के चेहरे पे कितने दाने हैं, मौसम के वजह से हैं ये। नामजून बाहर जाने से पहले खुद को हैंडसम बना रहे। मैं अपने बाल पीछे करने जा रहा हूँ। तुम अचानक अपने बाल पीछे क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ के आदमी बहुत हैंडसम है। यूरोप, BTS इस वक्त यूरोप में थे। शो कह रहे हैं बहुत टाइम हो गया खुद के बाल बनाए। वाओ बहुत कम ऐसा होता है जब आरम और सुगा अपने बालों की इतनी केयर करते हैं। जेहोप को हर चीज़ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करनी होती है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो या मेकअप। फेस मास्क 20 मिनट तक वेट करो फिर धो लो। एकदम फ्रेश। शुगा ने ग्रैंडमा की तरह टॉवल रखा है सर पे। शुगा कह रहे मुझे टैन होने से नफरत है, तो तुम टैन यूज कर सकते हो। इट्स क्रेजी रियली। जल्दी करो जल्दी, मैं यहाँ गर्मी से मर रहा हूँ। धूप से हाथ पर टैन ना हो जाए इसके लिए ये वाइट शीट पहनी है। किसी को पता है इसे क्या कहते हैं? शुगा और वी दोनों एक ही सिटी से हैं, डेग्यू से। दोनों को ही टैन होने से डर लगता है, दोनों ही सनस्क्रीन से पूरा फेस वाइट कर देते हैं। शुगा मेंबर से कह रहे हैं ऐसे लगानी चाहिए क्रीम। आई एम सॉरी शुगा, आई रियली रियली लाइक यू बट ये हमसे नहीं हो पाएगा। लिप बाम प्लेन में भी। वी नहाने के बाद क्रीम। ये परफ्यूम लगाया था या हाथ पोंछ रहे थे? परफ्यूम लगाया होगा। जे हो खूब मन लगा के काम हो रहा है। काम के बाद नहाया, फिर अपना फेवरेट फेस मास्क। आरम और उनकी फेवरेट चीज लिप बाम खुद लगाने के बाद सबको पूछ रहे हैं। कई लोग होते हैं ना वो दूसरों का लिप बाम नहीं लगाते, BTS एक दूसरे का इजीली लगा देते हैं।
ये सनस्क्रीम है, इस तरह की सनस्क्रीम अच्छी है ना, मतलब वो चिपचिपी क्रीम से तो अच्छी है। जिमिन लगा दे सबके, ये तो एक ही में ही ख़त्म हो जाएगी, मतलब एक इंसान पे। जे होप जो भी कहो, मुझे तो जे होप का तरीका बहुत अच्छा लगता है। मॉइस्चराइजिंग सीट, जो होप कह रहे हैं वो इसे रोज़ यूज़ करते हैं डेली। तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत, तुम तो वैसे ही सनशाइन हो। वी सिखाएंगे लोशन कैसे लगाना है। जब आप लोशन लगाते हैं तब आपको इसको एक आदमी की तरह लगाना चाहिए। एक्चुअली मैं पहले अपने फेस पर इसे ऐसे लगाता था, लेकिन मेरे स्किन डॉक्टर ने मुझसे कहा ऐसे मत लगाया करो, उन्होंने कहा मुझे ऐसे नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ एक कॉटन पैड है, मुझे इस तरह लगाना चाहिए। सबसे ज़रूरी पार्ट है कि आपको कभी इमेजिन नहीं करना चाहिए। क्या आप यहाँ देख रहे हो, और यहाँ डन, और अब क्रीम। ओ नहीं निकल रहा है, कम होगा। इसकी स्पीड बढ़ाइए, हो गया। यहाँ एक और चीज़ है, मैं वो भी लगाऊंगा। मैंने सुना था सोने से पहले बहुत सारी क्रीम लगाना सबसे अच्छा होता है। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपकी स्किन स्मूथ होगी, और इस तरह आपको आंखों के नीचे भी क्रीम लगाने की ज़रूरत है। और बची हुई क्रीम को हाथ पर लगा लो। आर्मी फैंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाथ धोने के बाद ही लोशन लगाएं। आपके हाथ आपकी बॉडी का सबसे गंदा पार्ट है, अपने हाथों को बहुत धोएं। अपने हाथों को क्रीम से इस तरह रब करें, और अंगूठा मत भूलना, थंब पर भी क्रीम लगाएं। और ये नेल्स को देखो, ये पार्ट, इस पार्ट पर भी अच्छे से क्रीम लगाएं। बस हो गया पूरा। हाँ भाई, तो आज कितने लोग सोने से पहले क्रीम लगाएंगे। पार्ट टू के लिए देखेंगे इस वीडियो का क्या रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के हिसाब से ही देखेंगे नेक्स्ट पार्ट बनाना है या नहीं बनाना। एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, सी यू नेक्स्ट टाइम।